हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 1 का वीडियो भेजने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो द्वारा। तो एग्जांपल 3 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 179 में आपके पेज नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने यहाँ लिखा है वो समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, तो ऐसे सम्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको गौर से देखना और इसको नोट डाउन कर लेना। अब एग्जांपल 3 में एक ट्राइंगल दिया है ए सी बी, जो सी 90 डिग्री पर बना रहा है। ए बी साइड दी है 29, बी सी दिया है 21, ए सी हमें फाइंड करना है। ये फाइन करने के बाद मुझे ये बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी और कैस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मैं ये साइड को फाइन करूँ, वो साइड फाइन करने के बाद मुझे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ जो दी गई है, आप टेक्स्ट बुक में पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर ये वीडियो देखना ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इन दोनों की वैल्यूज़ फाइन करनी है। वैल्यूज़ फाइन करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये साइड चाहिए, तो ये साइड तो मैं पाइथागोरस से फाइंड ही कर सकता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और सीधा पाइथागोरस से अप्लाई कर दो। जब भी दो साइड के मेजरमेंट दिए हैं और तीसरा साइड फाइंड करना है तो आपके लिए आसान काम है, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस से अप्लाई करके तीसरी साइड फाइंड कर लिए। तो पाइथागोरस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो साइड हाइपोटेन्यूज है उसको एक साइड रखो, या तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। तो ये मेथड अगर आपको डिफिकल्ट लगती हो, यहाँ पे आप क्या किया है कि एसी नहीं दिया है तो एसी को एक बाजू रखो, बाकी को अंडर रूट करके स्क्वायर में डाल दो। मैंने क्या किया है कि यही सम इस तरह किया है कि अगर सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस है तो इसको एक तरफ रखा है, तो सबसे बड़ी साइड ए बी है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम है उसको रखा है। अब ए बी स्क्वायर है 29 है तो उसका स्क्वायर किया, ए सी स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है प्लस बी सी दिया है 21 उसका स्क्वायर किया। अब 29 का स्क्वायर 841, बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर तो वो है 441। मुझे ए सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसलिए 441 को इस तरफ ट्रांसपोज करूंगा, तो प्लस 441 माइनस 441 हो जाएगा, तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 400। समझ गए बच्चों, ये मैंने ट्रांसपोज किया 441, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मुझे ए सी चाहिए तो 400 का रूट है 20, तो ए सी मुझे यहाँ पे 20 मिला। अब वैल्यूज तो तीनों की मिल गई, अब मुझे सिर्फ यही वैल्यूज डिटरमाइन कर दिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बच्चों ऑलरेडी पता है कि साइन क्या है, तो साइंस थीटा पहले है ए सी अपॉन ए बी, तो आपका ए सी अपॉन ए बी ये साइंस थीटा है, और कोस थीटा आपको ऑलरेडी पता है जो आपका यहाँ दिया ही है, दैट इज़ बी सी अपॉन ए बी। एक्चुअली यहाँ भी लिखना भूल गया, बी सी अपॉन ए बी। तो ये रेशियोज ऑलरेडी आपको पता है, आपने ये रेडियो मैंने कहा था कि जब भी आप ये देखो तो रेशियोज का टेबल आपके पास होना चाहिए, या तो वो तो बाय हार्ट कर ही लेना है जो मैंने इंट्रो पार्ट में जो रेशियोज दिए हैं, तो जल्दी आ जाएगा। बस अब तो सीधा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना करो, मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है 20 अपॉन 29 उसका स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 21 अपॉन 29 उसका स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करें तो 400 प्लस 441 अपॉन 841, 400 प्लस 441 841 होता है, डिवाइड बाय 841 जो नीचे है, इन दोनों का स्क्वायर डिवाइड करो तो 1 हो जाता है 841। तो 1 इस वजह से तो पहले की वैल्यू है इसकी वैल्यू मिली 1, और दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस किया था यहाँ माइनस करना है, बस इतना ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, 441 माइनस 400, तो 21 स्क्वायर अपॉन 29 माइनस 20 अपॉन 29 स्क्वायर, तो इनका होगा 441, इनका होगा 400, 441 माइनस 400 इज 41, इनका स्क्वायर 841, तो 41 अपॉन 841, तो दूसरे का आंसर है 41 अपॉन 841। तो बच्चों इस तरह से एग्जांपल नंबर 3 हमने सॉल्व किया, तो बहुत ही आसान ही है, इतना कोई हार्ड है ही नहीं।
तो इनको भी बच्चों आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करके नोट डाउन करना है, समझना है। बाकी के कुछ एग्जांपल्स आप नोटबुक में ले लेना, अगर उसमें से कोई एग्जांपल आपको समझ सिमिलर टाइप के ही एग्जांपल्स हैं तो वो समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा, मैं वो एग्जांपल फिर से वीडियो भेजूँगा। वरना कल हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सम्स है वो मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो बच्चों हम मेरा अगला वीडियो होगा जो वो 8.41 एक्सरसाइज से होगा। और हाँ, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा और न समझ में आए तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।